देख रहे हो ना आप, ये कैसे हो गया सुबह ही सुबह, इतना बड़ा नुकसान हो गया। और ना क्या हुआ था, मैं ना इसको दवाई दे रही थी, इसको हनी से एक दवाई देनी होती है डुग्गू को, तो पूरा डब्बा ये भरा हुआ था, अभी खाली हुआ है डब्बा। दूसरा जो दिखाती हूँ मैं आपको, अभी देखो मैंने ये ना मैंने क्लीन करके ही रखा है, और ये कल ही क्लीन किया था मैंने, और दूसरा वो डब्बा खोला था और किसी ने उसका ना ढक्कन खुला छोड़ दिया है, तो वैसे मैंने उठाया वैसे ही ढप्प से यहाँ गिर गया। तो बड़ा नुकसान हो गया सुबह सुबह ना, दिमाग जब खराब हो ना तो फिर चीजें ऐसे ही रहती है, और पूरा इसमें कांच कांच हो गया, और मेरे ना यहाँ पे उंगली में ना लग भी गया है, यहाँ पे ना ब्लड आ रहा है, यहाँ पे कांच अंदर चला गया है इसके। अब इसको क्लीन करती हूँ, क्या करूंगी, सारा ना पूरा नुकसान हो गया यार। आधा केजी का डब्बा था हनी का ना, पूरा ही हो गया इसका, कुछ भी यूज का नहीं है ये, क्योंकि इसमें ना सारे में ग्लास छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स रहते हैं ना ग्लास के, वो सब मिक्स हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं ये हनी यूज कर सकूं, कोई मतलब ही नहीं है इसको यूज करने का। सारा इसको क्लीन करती हूँ मैं। और आज ना सुबह सुबह ही मेरे से इतना बड़ा नुकसान हो गया। और यार ये नया था डब्बा ना, बिल्कुल जस्ट मैंने कल ही ओपन किया था, और जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ा एकदम छूट गया ये स्लैब पे, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज मुझे सुबह ही सुबह इतना बड़ा नुकसान हो गया, और पता नहीं कैसे ये मेरे से हो गया, हाथ ना एकदम छूट गया था। मतलब इसका ढक्कन ना ओपन करके शायद इन्होंने छोड़ दिया था हस्बैंड ने, क्योंकि बच्चे तो यूज़ नहीं करते हैं। तो बस यही हो गया आज, और पूरा ही वेस्ट हो गया, पूरा 1 केजी का डब्बा था, पूरा वेस्ट हो गया। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, चलो कभी कभी हो ही जाता है ऐसा। अभी दाल बन रही है, जब तक मैंने सोचा कि अनार काट देती हूँ तो बच्चे अनार खा लेंगे, और खीरा, और ये भी रखा है साथ में, ये लोग, ये हम लोग ये भी खाते जा रहे हैं काले नमक से, क्योंकि आज ना मैंने नाश्ता नहीं बनाया, तो बस यही सब खा लेते हैं, फिर रोटी बनाऊंगी डायरेक्ट, खाना खाएंगे फिर। तो ये अनार ना कई दिन से लाके रखे हुए हैं, इनको ना छीलने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, छीलो तो फिर बच्चे खा लेते हैं, और खुद से छील के नहीं खाते, छील के देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं ना काफ़ी टाइम से सोच ही रही थी, तो आज इसका टाइम आ गया है बनाने के लिए। और मेरे पास ना काफ़ी टाइम से एक मिल्क मेड का डब्बा रखा था, तो मैं सोच रही थी ना कि कुछ स्वीट बनाने के लिए, तो ये लौकी लेके आए थे, तो फिर मैंने सोचा इसकी ना इस बार सब्जी नहीं बनाते हैं और लौकी का बनाते हैं लौंज, और हलवा कुछ भी बोल सकते हो आप, जैसे गाजर का हलवा बनता है वैसे लौकी का, तो हमारे यहाँ इसको लौंज बोलते हैं, लौकी की लौंज। तो बस वही बनाने की मैं स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये लौकी है 1.5 केजी के करीब होगी, तो इसको थोड़ा सा घी डाल के और इसका मैं पानी सुखा लूँगी बहुत अच्छे से, और फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो बस कढ़ाई मैंने गरम कर दी है, और ये देख रहे हो आप 2 चम्मच के करीब मैंने घी डाला है कढ़ाई में, और इसमें डाल दूंगी मैं ये लौकी। और लौकी ना मतलब थोड़ा पानी छोड़ती है, तो इसको ड्राई होने में 15-20 मिनट के करीब मुझे लग गए थे, इसका अच्छे से पूरी अच्छे से पानी इसका सुखा लूंगी मैं, और फिर बाद में आगे का प्रोसेस होगा। क्योंकि आप अगर ऐसे मावे से बनाते हो तो भी मतलब आप इसी प्रोसेस को ही फॉलो करोगे, और मैं तो मावे वाला नहीं बना रही हूँ, जो कंडेंस मिल्क होता है ना उससे बनाऊंगी मैं इसको, और उससे बनाना इतना इजी होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने पहले भी एक बार दो बार बनाया हुआ है, तो आपके साथ शेयर किया था, पता नहीं ध्यान नहीं है मुझे, तो मैंने सोचा अभी बना रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो ये देखिए लौकी धीरे 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 मतलब थोड़ी मतलब ड्राई होती जा रही है, और इसको 10 मिनट और लगेंगे तो ड्राई हो जाएगी। और ये देखिए ये है मिल्क मेड, और थोड़ा सा मैंने ना किसी चीज़ में इसमें यूज कर लिया है, तो ये आधे से थोड़ा ज़्यादा डब्बा है, और इसको मैं पूरा ही डाल दूंगी,
और इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मीठा ही रहता है ये कंडेंस मिल्क, तो बन जाएगा। और ये देखिए कढ़ाई में डालते ही ना एकदम पतला सा हो गया है। तो अभी हमारी लौकी बहुत अच्छे से ड्राई हो गई थी, तो फिर इसमें देखिए मिल्क मेड डाल दिया है और मिल्क मेड भी एकदम थोड़ा थोड़ा जो धीरे मैंने ना धीरे ये कस भी के सूख रखी थी जाता है, नमक ज़्यादा लगा टाइम के, नहीं लेता है, और 10 मिनट अभी के इसमें करीब पानी लगता है छोड़ना इसको ड्राई स्टार्ट होने कर में। दिया है, और इसको ये आधे में देखिए ऐसा बन हो गया गया है है। हमारा तो यम्मी इसको सा अच्छे लौकी से का हाथों में लॉन्च, लेके, और हाँ कुछ मेवे डाल ये दिए हैं देखिए ऊपर से मैंने, आप आप कुछ भी पानी डाल डालना, सकते हो, इसको काजू अच्छे से मैं बादाम, निचोड़ किशमिश, जो लेती भी हूँ आपको और पसंद फिर है। इसमें ट्राई तो करके बन गई इसको है रखती जाऊँगी। टेस्टी। निचोड़ निचोड़ के दोनों हाथ से अच्छे से निचोड़ लेंगे इसको। ये देखिए मैंने ना अच्छे से इसको मूली को निचोड़ लिया है कस के एकदम बढ़िया तरह से, और अभी ऐसी हो गई है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है अभी, तो ये अच्छे से पराठे बन पाएंगे, नहीं तो फिर फटेंगे पराठे। तो इसको डुब्बू आ गया पीछे इसको अभी आदत है, बार बार किचन में आएगा देखेगा। तो ये अच्छे से बना लिए हैं मैंने, मतलब इसको अच्छे से बहुत निचोड़ लिया। अब इसमें मसाले मिलाएंगे हम, और आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो इसमें, और मैं बिना प्याज के ही बनाऊंगी, प्याज नहीं डाल रही हूँ इसमें। तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पत्ता, और डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा। ये हो गया है मसाला रेडी, तो खाने वाले हैं हम मूली के पराठे। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज डिनर में मूली के पराठे। तो हमारे घर में तो मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो बच्चों को और हस्बैंड को सबको इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि कुछ अलग बन रहा है आज। और हमारे यहाँ ना जो भरवा स्टफ वाले पराठे होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही पसंद किए जाते हैं। तो मेरे यहाँ तो उतनी एक्साइटमेंट होती है, पता नहीं किसके यहाँ होती है या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक खाने के लिए एक्साइटमेंट ना हो तो बनाने में और खाने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। जब सब लोग वेट कर रहे होते हैं ना कि कब बनेगा खाना, तो उसका ना बनाने में भी उतना ही मज़ा आता है। जहाँ तक मैं मतलब अपना अपनी बात बता रही हूँ, मेरा अपना पर्सनल है ऐसा सोचना, मैं जैसे सोचती हूँ ना कि कोई वेट कर रहा है खाने में ना, तो जल्दी जल्दी से अच्छा अच्छा गर्म गर्म उनको बना के खिलाया जाए तो डबल हो जाता है उस चीज़ का मज़ा ना। तो बस वही मेरी थिंकिंग है। तो बस ये देखिए मेरे बनते जा रहे हैं यमी यमी गर्मा गर्म, और ना बहुत अच्छे से भी फिल किया था मैंने इसमें, तो इसमें निकलता नहीं है बिल्कुल भी। आप आराम से बेलते जाओ, बस इसका यही सबसे बड़ा मतलब रहता है मूली का कि आप इसमें नमक लगा के पहले से रख दो तो फिर इसमें पानी मतलब नहीं निकलता है और बहुत अच्छे पराठे बिल जाते हैं। तो मैंने तो शुरू से मम्मी को ऐसे ही बनाते देखा है, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। और हाँ एक तरीका और है, मूली को आप हल्का सा मतलब मसाले वसाले डाल के हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई करके भी बना सकते हो। मैं वैसे तरीके से कभी कभी बनाती हूँ, वो भी एक अलग ही टेस्ट आता है, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही तरीका है मूली के पराठे बनाने का। तो ये देखिए, और चटनी, मिर्ची का अचार और हमारा लौकी का लौंच, तीनों चीज़ तैयार हैं। तो बहुत अच्छी लग रही है ना थाली देखने में। तो आ जाइए फ्रेंड्स, खा लेते हैं साथ में, सब लोग मिलके खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे बच्चे खा रहे हैं और ये सब गर्मा गर्म मैं भी खा लेती हूँ। और फिर डिनर वगैरह करके मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठ गई थी,
तो क्योंकि पढ़ाना अभी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बच्चों के स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डुगु को मैं ना जीके का वर्क करा रही थी, उसका जीके का मतलब मैंने डे डिसाइड किए हुए हैं, 2 दिन जीके करता है, 2 दिन कंप्यूटर, ऐसे करके मैंने ना सब्जेक्ट डिसा उसके डिवाइड कर दिए हैं। तो उसको भी इंटरेस्ट रहता है कि चलो ठीक है मम्मी आज हम जीके करेंगे, आज कंप्यूटर करेंगे। तो इसी हिसाब से मैं उसको पढ़ा देती हूँ, और आयुषी भी उसको थोड़ा देख रही है, कुछ उसको नहीं आता है तो वो भी थोड़ा बता देती है उसको। तो बस इसी तरीके से आज इस ब्लॉग का मैं एंड करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉगिंग आपको कैसी लगती है, मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं? अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।